हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 2, जो कि कौन सी पुस्तक का है, भारत एक खोज। भारत एक खोज जो पुस्तक है क्लास 8 की हिंदी में आती है, उसका यह चैप्टर नंबर 2 है, तलाश। ठीक है, तो तलाश क्या है? तलाश इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो राइटर है, जो लेखक है, जो इस पुस्तक को या इस चैप्टर को लिख रहा है, वो अपना विचारधारा बताना चाह रहा है भारत के विषय में। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको जो भी वीडियो मैं डालती हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैप्टर में हमें जो है बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी भारत के बारे में। भारत के बारे में ये जानने को मिलेगा कि भारत के लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं, इसके अतीत के बारे में कैसे सोचते हैं और उनकी विचारधारा क्या है, और बाकी के जो पश्चिमी देश के जो लोग हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो तलाश, ठीक है, भारत के अतीत की झांकी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि भारत का जो अतीत है उसके उसमें झांक के हम देखने वाले हैं। बीते हुए सालों से मैंने मन ही में ही ऐसे भारत रहा है। ठीक है, इस बीच मैं बारंबार उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का कोशिश करता रहा हूँ। राइटर कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि उसके मन में बचपन से ही भारत के बारे में जानने की बहुत ही इच्छा रही है। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था, मेरे ताज़ा अनुभवों ने उसे कैसे संवारा था। ठीक है, तो यह जो राइटर है वो बचपन से ही भारत के बारे में जानना चाहता है कि भारत क्या है, अतीत में जो है इसकी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व, किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। मीन्स कि जो भारत है, जो भारत का अतीत है, अतीत में अगर हम जाके देखते हैं तो यह जो है इसके पास कौन सी विशेषताएँ थी, कौन सी अपनी प्राचीन शक्तियाँ थी भारत के पास। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी शक्तियाँ थी भारत के पास। ठीक है, उसके बारे में यह लेखक हमें बताने वाला है। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? जो प्राचीन समय में भारत के पास शक्तियाँ थी, क्या उन शक्तियों को भारत ने खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है? मीन्स कि आज के समय पे हम देखते हैं तो भारत में एक विशाल जनसंख्या का होना यह भी उसकी एक शक्ति है, अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए, जिसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। यह जो राइटर है वो ये कह रहा है कि वैसे तो भारत को वो बहुत पसंद करता है और उसके जो है कि दिल में बसा हुआ है भारत, लेकिन वो फिर भी एक आलोचक के तौर पे जब भारत को देखेगा तो वो जो है हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें बता पाएगा, शायद इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया, ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते होकर पहुँचा था। मीन्स कि वो जैसे भी गया हो, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को पश्चिम से जो आए हुए पश्चिम से आए हुए जो बाहरी देश के लुटेरे थे उनके उनके जगह पर रख के खुद को वो ये देखना चाहता है कि उसके मन में क्या भाव पैदा होते हैं भारत को देख के। मैंने उसी वो बोल रहा है राइटर कि मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा हो। मीन्स कि यह जो है पश्चिम के लोग जो भारत में आए हुए थे उनका अपने आप को मित्र बताकर और उन्हीं की तरह जो है भारत को देखता है और हमें जो है बताएगा। जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था, वह विशेष तत्व आखिर क्या है? मीन्स कि यह एक पश्चिमी
होने के रूप में यह देखता है और कहता है कि ऐसा क्या है भारत में जो जो कि बहुत ही टिकाऊ है और उसकी जो जो पहले जो प्राचीनतम सभ्यता है उसे वो आज भी बनाए हुए है, और इतने सारे जुल्मों के बाद भी भारत अपनी सभ्यता अपनी शैली को बनाए हुए है, अपनी संस्कृति को। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित, ये जो है क्या राइटर ये बोल रहा है कि यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी की जो खोज हुई है उसमें मोहनजोदड़ो के एक टीले पे खड़ा था। मैंने चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी। उस समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है, साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह वहाँ एक प्राचीन पूर्णतः विकसित सभ्यता थी जिसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण उसके ठेठ भारतीयपन यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। मीन्स कि ये कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसकी बनी हुई दीवारें आज भी हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिल सकती हैं, तो वो आज भी वहाँ पे टिकी हुई हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि ठेठ भारतीयपन और भारतीय सभ्यता। यह जो विचार है आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5000 वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशीलता और एक समान रहकर। मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो उसका बेसिक जो बुनियाद है भारतीय संस्कृति का, वो हमेशा जो है कि बना हुआ है इतने सारे परिवर्तनों के बाद भी और इतने सारे विकास के बाद भी। ठीक है, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों में उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। मीन्स कि इस सभ्यता का जो है फारस, मिस्र, ग्रीस और चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से अच्छा खासा संपर्क था। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। कोई भी मनुष्य है या कोई भी कंट्री के लोग है, एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ की सभ्यता से प्रभावित भी होते हैं और अपने रहन सहन से दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास, उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला, ऐसा राइटर कह रहा है। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे, अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए। मैं पूर्वी एशिया, अंग कुर, बोरुबुदूर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों, मीन्स कि पुराने मिथकों दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। यहाँ पे राइटर ये कहता है कि वह उस हिमालय पर बहुत घुमा जिसका संबंध प्राचीन जो कथाएं हैं, जो दंत कथाएं हैं, जो लोगों द्वारा कही गई हैं, उससे उसका बहुत ही गहरा संबंध है हिमालय का। उस हिमालय पे यह राइटर जो है घूम रहा है और क्या सोच रहा है ये देखेंगे। वो बोल रहा है कि ये सारी जो कथाएं हैं वो मिथक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कथाएं जो है सत्य हैं और जिसने हमारे विचारों साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। कोई भी जगह जो जन्मभूमि होती है वो जो है कि हमें बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इस पहाड़ तो सभी लोगों को पसंद होते हैं। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। राइटर कह रहा है कि वह हिमालय की तरफ भी घूमा, हिमालय पे वो कुछ दिन बिताया, उसने वहाँ पे जो दंत कथाएं, जो कही सुनी कथाएं हैं उसके बारे में उसने सुना और जाना, और उन्हें वो मिथक सोच रहा है कि ये जो कथाएं हैं बस मिथक है, झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं, ये कथाएं सत्य हैं। और फिर जो है कि वो जो राइटर है वो बोल रहा है कि वो जम्मू कश्मीर से अत्यंत प्रभावित हुआ, वहाँ से उसकी जन्मभूमि थी तो इसलिए उसे वहाँ पे जाना उसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता था,
और जब ये पठारी एरिया, जब ये पर्वतों के एरिया से निकल के हम भारत के मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं, तो भारत को अगर देखा जाए तो भारत में हर तरह के क्षेत्र हैं, पर्वत क्षेत्र भी है, मैदान भी है, नदियाँ भी हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में जो नदियाँ बहती हैं वो जो है आकर्षित करती हैं इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंध, इंडस को ही सिंधु कहते हैं, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा है इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, कफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से 12 बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यहाँ पे राइटर जो है नदियों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता चलता है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो नदियाँ हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना हो गई। ब्रह्मपुत्र जो है कि जंगली और पहाड़ी एरिया से होके गुजरती है, और यमुना जी जो है चारों ओर नृत्य उत्सव नाटक से संबंध न जाने कितने पौराणिक कथाएँ एकत्र हैं। यमुना नदी से संबंधित भी बहुत सारी कथाएं हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं और अन्य स्थानों को, मैंने आगरा दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। तो यहाँ पे जो राइटर है वो पूरे भारत को घूमा हुआ है और उसके बारे में यह अपने विचारों को रख रहा है। मैंने अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ, वहाँ पर भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, वो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींच रही है। मीन्स कि ये कह रहा है राइटर कि यह जो है, अगर हम बहुत 1000-2000 साल पहले भी जाएं तो ये जो पर्व थे इसी तरह से मनाए जाते थे नदियों के किनारे, और आज भी ये उतनी ही श्रद्धा से मनाए जाते हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ ही नेत्राओं दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मैंने मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसी जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। उन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में, मैं इसकी जो राइटर है उसे अपने पहले की सारी बातें याद आती हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की शक्ति और सीमा। भारत की जो शक्ति के स्रोत हैं और भारत के जो शक्ति के स्रोत हैं और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताना चाहता है कि भारत की शक्तियाँ क्या क्या थीं, उनका पतन और नाश कैसे हुआ, और ये कहानी बहुत ही लंबी है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। मीन्स कि राइटर कह रहा है कि भारत का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है उसके पास। भारत जो है तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया, यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यहाँ पे यूरोप की ये बात हो रही है। इस तकनीक के विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसला मंद जीवन शक्ति मानसिकता थी। नई तकनीकी ने पश्चिम यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया।
ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नई जो तकनीकी यूरोप के देशों में विकसित हुई, उसने सैनिकों को बल दिया और उनके विस्तार के करके पूरब पर अधिकार करने आसान हो गया। मीन्स कि यूरोप में जो तकनीकी का विकास हुआ, उससे उनके पास ताकत आ गई और उन लोगों ने जो है क्या किया, पूरब पर पूरा अधिकार कर लिया। सारे एशिया की कहानी, यह केवल भारत की, और यह जो है केवल भारत के साथ ही नहीं हुआ, सारे एशिया में जितने भी देश है सबके साथ ऐसा ही किया यूरोप ने। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सचेतता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा, उद्यम में काफ़ी कमी आ जाती है, छीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। मीन्स कि भारत में जो रचनात्मक प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यहीं से उसका पतन मेरे हिसाब से। तो जहाँ भी कहीं रचनात्मक प्रवृत्ति अगर खत्म हो जाएगी, छीण हो जाएगी, तो क्या होगा, अनुकरण की प्रवृत्ति जगह ले लेती है, जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दांडंबर से लैस भाष की जगह लेते दिखाई देने लगे। मीन्स कि भारत की जो रचनात्मक वो थे, वो भारत की शक्ति थे, ठीक है। और यहाँ के जो ब्रह्मांडों के रहस्य थे वो भी यहाँ के शक्ति थे, उसकी जगह पे बहुत ही गलत तरह की मानसिकता ने जगह बना ली। भव्य कला मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। मीन्स की जो मूर्तियां बनाती थी वो अब वो पेंटिंग बनने लगे। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, छीण हो चली थी। मीन्स की यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि भारत में जितनी भी अच्छाइयाँ थी सारी लुप्त होती जा रही थी। महासागर को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण उद्वेग जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया, किंतु वह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता, इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ। और तो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि भारत में भारत की जो विशेषता थी, जो शक्तियाँ थी, वो सारी धीरे धीरे किस तरह से लुप्त हो गई। जो मानसिकता थी रचनात्मक और जीवन के प्रति आनंद में जो मानसिकता थी, वो सारी चीज़ें बदल गईं। अब यहाँ पे भारत तलाश में यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि जो पुस्तकें हैं, प्राचीन स्मारक हैं, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझे जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीन भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्मत के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जब शासन कर लिया तो ये कुछ जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो ऐसा नहीं सोचे कि अंग्रेजों को यहाँ से हटाया जाए, है ना, और ढांचे को बनाए रखा जाए, बल्कि वो लोग जो है उनसे जाके मिल गए ना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश
थे कि उसे चुनौती देना और उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इसके बस की बात नहीं थी। मीन्स उनके बस की ये बात नहीं थी कि अंग्रेजों को वहाँ से भगा दें, बल्कि वो उनसे डरते थे और जो है कि चुनौती देने से भी डरते थे। नई ताकतों ने सुर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत मीन्स कि। लेकिन जब वही अंग्रेज भारत के गांवों की तरफ जा गए तब जाके उन्हें कुछ अलग ही महसूस हुआ। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों इसलिए कि उसने हमारे कुछ उन निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सभी अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोग का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी कहीं ज़्यादा पाया, मुझे ये कह रहा है। नेक्स्ट चीज हम जो जानेंगे भारत माता के बारे में। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन सांस्कृतिक नाम है। मैंने शहरों में ऐसा काम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया। मैं इसकी जो किसान है इस भारत देश के जो किसान हैं वो बहुत ही महान हैं। उन लोगों ने भारत की बहुत बड़ी शक्ति हैं जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। ठीक है, भारत माता के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में हर एक स्टेट जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, फिर भी लोग जो है एक दूसरे से मिल के रहते हैं। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों में, जो भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं, पुराण कथाओं, दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित कराया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हें भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे सवालों में अनेक कंठों का स्वर गूंजता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता, इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ नहीं आता मुझे क्या जवाब दें। मैं बार बार सवाल करता जाता, आखिर एक खट्ठा खट्ठा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से टूटनाता है, यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी में। फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? कि तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब
तक चलता रहा जब तक वे प्रयत्न करते रहे। सब कुछ है जो तो है ही जो उसने सोच रखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राइटर देखता है कि भारत जो है क्या है, पहाड़ नदियाँ जंगल फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, हमें सबसे प्रिय हैं, लेकिन जिन चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता और उनके और मेरे जैसे तमाम लोग। नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे, भारत की विविधता और एकता। भारत में बहुत ही ज़्यादा विविधता है, बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है, फिर भी सब एक में बंधे हुए हैं। यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि भारत की जो विविधता है वो अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर पश्चिमी उत्तर पश्चिम के इलाकों के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे, शरीर गठन, खाने पहनावे में भी, भाषा में एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इस तरह से भारत के अगर हम किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है दूसरे हिस्से से बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, डिफरेंट है। इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी, इससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत यहाँ पे धर्म की बात हो रही है कि एशिया में बहुत सारे धर्म हैं, इस्लाम है। इस्लाम के आने से पहले जो है भारत में बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म से पहले वैदिक काल में हिंदू धर्म था। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अभी स्मारकों और मठों के ढेर ध्वस्त अवशेष में बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपने प्रसिद्धि की चरम पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे। यहां पे कह रहा है कि पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत है उसमें बहुत भिन्नता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मेघालय, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष खमोबेश एक से हैं, इनकी जानकारी पुरानी परंपरा अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिकता और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। यहाँ पे हम देखेंगे किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, लेकिन वो छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। हाँ, प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। मीन्स कि ये पहले कैसा था भारत में, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। जन संस्कृति कैसी थी, मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा और पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है कि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था। इसमें से किसी दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। यहाँ पे हम महाकाव्य की बात करेंगे। महाकाव्य में रामायण और महाभारत जो हैं और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पाठ याद थे और अपनी बातचीत के दौरान में बारंबार या तो उन्हें
उद्घृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते जिनसे नैतिक उपदेश निकलता हो। तो फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट है इस चैप्टर का। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। यह बात अलग है कि उनका स्रोत पूरा कथाएं और परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाओं ही अधिक थी, इतिहास बहुत कम। तिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ थे और सीधे साफ वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा, संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गाँव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष थी तो मैं विस्मय मुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों को याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनकी हालत तर हो और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हो। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियाँ फैली थीं और जिनके छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। इस स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमन सहता थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में के बारे में ये क्या बता रहा है और राइटर क्या बता रहा है और जो लोग हैं वो कितने भ्रष्टाचार में और दुख में हैं। तो इन्हें कैसे इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।